नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कमेटी पर एक बार फिर से स्वागत है। कंपटीशन कमेटी के इस बैंकिंग सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 6। और जब हम बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की, तो मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूँ कि आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी बीच आपको देखने को मिल रहा है आरआरबी का नोटिफिकेशन, यानी कि आरआरबी की जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको केवल मैथ्स और रीजनिंग का ही सेक्शन देखने को मिलता है। तो अगर आपने भी आरआरबी के लिए अप्लाई किया है तो बिल्कुल आपको ये सभी के सभी सेशन देखना अनिवार्य है, जहां पर आपको मिलेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस, यानी कि भाषाओं पर आधारित, चाहे वो हम हिंदी की बात करें चाहे हम इंग्लिश की बात करें, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपको किस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं स्पीड बूस्टअप की, तो स्पीड बूस्टअप के लिए जो आपका अप्रोच है, अप्रोच बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आप क्वेश्चन कितने समय में बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आज के सेशन की शुरुआत हम करेंगे लास्ट सेशन के होमवर्क क्वेश्चन के साथ। तो जिन्होंने भी लास्ट सेशन के होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो फटाफट से यहाँ पर अटेंडेंस जरूर लगाएंगे कि आपका जो लास्ट क्वेश्चन था, जो लास्ट सेशन मैंने आपको जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, सही बना या गलत बना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, जिसे आप कह सकते हैं कि लास्ट सेशन का जो होमवर्क क्वेश्चन है, वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से यहां पर हम क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर आपको दिया गया है 8 persons P Q R S T U V and W R sitting on a square table such that 4 persons are sitting on the corner of the table while others are sitting on the middle of each side but not necessarily in the same order। यहां पर जब आप देख पा रहे हैं कि चार व्यक्ति कोनों पर बैठे हैं और चार व्यक्ति आपके जो मेज है उसके मिडिल ऑफ द साइड बैठे हैं, यानी कि भुजा के बीच में बैठे हैं, तो यहां पर मैंने आपको बताया कि आपको सर्कुलर अरेंजमेंट की तरह ही अप्रोच करना है, कुछ भी अलग करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले तो यहां पर हम बनाएंगे 8 स्पॉट्स और हम बनाएंगे एक पॉसिबल स्ट्रक्चर। क्लियर? तो ये हमने बना लिया 8 स्पॉट और एक बना लिया हमने पॉसिबल स्ट्रक्चर। आगे की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है द पर्सन्स एट द कॉर्नर सिट फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर एंड पर्सन्स एट द मिडिल ऑफ द साइड सिट्स फेसिंग सेंटर। यानी कि जो व्यक्ति किनारों पर या कोनों पर बैठे हैं, जो व्यक्ति कोनों पर बैठे हैं उनका मुख केंद्र के बाहर की ओर या केंद्र के विपरीत दिशा की ओर हमें देखने को मिल रहा है, जबकि जो व्यक्ति बीच में बैठे हैं उन सभी का मुख हमें कहां देखने को मिलेगा, केंद्र की ओर देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न में हमारे पास ये इश्यू नहीं है कि कौन सा व्यक्ति किधर देख रहा है, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? अब हम बात करेंगे यहां पर दिए गए इंफॉर्मेशन की कि किसको हमें किस प्रकार से बिठाना है। तो बोला जा रहा है टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी बट डज नॉट सिट एडजेसेंट टू पी। टी की अगर हम बात करें तो वी के दाहिने और तीसरे स्थान पर बैठा है, तो यहां पर हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है, या तो वी केंद्र की ओर देख रहा होगा या तो वी केंद्र के विपरीत दिशा में देख रहा होगा, और इसलिए हमने यहाँ पर एक पॉसिबल स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। तो एक बार वी को यहाँ रखेंगे और एक बार वी को यहाँ रखेंगे। 1, 2, 3, एक मिट्टी यहाँ पर बैठा हुआ दिखाई देगा, 1, 2, 3, एक मिट्टी यहाँ पर आपको बैठा हुआ दिखाई देगा। और आगे बोला गया है लेकिन जो टी है वो पी का पड़ोसी नहीं है, जो टी है वो पी का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको हमने बना लिया। ठीक, टी आपका पी का पड़ोसी नहीं है। W neither sits adjacent to V nor to T। W जो है वो ना तो T का पड़ोसी है और ना ही V का पड़ोसी है, तो W यहां नहीं हो सकता और W यहां नहीं हो सकता, तो W के लिए दो पॉसिबल पोजिशंस। ठीक, इन द सेम वे यहां पर W के लिए दो पॉसिबल आपको पोजिशंस देखने को मिलेंगे। क्लियर? आगे की अगर मैं बात करूं तो आगे आपको देखने को मिल रहा है P sits third to the right of W। अब W के लिए हमारे पास दो पॉसिबल पोजीशन है, तो अगर हम P को बैठाते हैं, मान लेते हैं W को यहां माने हम इस स्ट्रक्चर में, तो 1, 2, 3 P को यहां हम बैठा नहीं सकते, निश्चित रूप से W को हमें यहीं पर मानना होगा, और 1, 2, 3 यहां पर हम बैठा लेंगे P को, तो जो रिमेनिंग हमारे पास पॉसिबिलिटीज है उसको मैं यहां से कैंसिल आउट कर रहा हूं इस वाले स्ट्रक्चर के लिए। ठीक, क्योंकि P हमारा क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है, W भी हमारा फिक्स हो चुका है। उसी प्रकार जब हम इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 1, 2, 3 P को यहां बैठा नहीं सकते, मतलब W को यहां पर हमें मानना होगा, तो 1, 2, 3 ये हो जाएगी पोजीशन किसके लिए, ये पोजीशन हो जाएगी P के लिए। जो रिमेनिंग हमारे पास कंडीशन है उसको मैं रिमूव कर दे रहा हूं। क्लियर? तो W और P के लिए भी स्पॉट्स यहां पर फिक्स हो चुके हैं। आगे की अगर मैं बात करूं तो बोला जा रहा है द पर्सन सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P फेसेस R। जो व्यक्ति
पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो पी यहां पर दिखाई दे रहा है, तो एक दो, ये कहां देख रहा है, आर की ओर देख रहा है। उसी प्रकार एक दो, ये व्यक्ति कहां देख रहा है, आर की ओर देख रहा है, तो आर का यहां पर स्पॉट भी आपको फिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर बोला गया है यू एंड क्यू आर सिटिंग इमीडिएट राइट टू ईच अदर, यानी कि यू और क्यू के लिए हमें क्या चाहिए, दो कॉन्जिक्यूटिव पोजिशन चाहिए। तो यहां पर आपको दो कॉन्जिक्यूटिव पोजिशन दिखाई दे रही यू और क्यू के लिए। इन द सेम वे यहां पर आपको दो कॉन्जिक्यूटिव पोजिशन दिखाई दे रही यू और क्यू के लिए। आगे की अगर हम बात करें तो बोला है टू पर्सन सिट्स बिटवीन यू एंड एस, यू और एस के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। तो ध्यान दीजिए, यू और एस के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। निश्चित रूप से हमारे पास तीन स्पॉट थे, तो यहां पर एस हो जाएगा, और दो व्यक्ति यू और एस के बीच बैठे हैं, तो एक दो यहां पर हो जाएगा यू और यहां पर हो जाएगा आपका क्यू। और आप देख सकते हैं कि यू के इमीडिएट राइट में क्यू और क्यू के इमीडिएट राइट में यू बैठा हुआ है। इन द सेम वे यहां पर हम बनाएंगे एस को, एस और यू के बीच में दो व्यक्ति, तो एक दो यहां पर हम बैठा लेंगे किसको, यू को, और यहां पर हम बैठा लेंगे क्यू को। जहां पर आप देख पाएंगे कि यू के इमीडिएट राइट में क्यू बैठा है और क्यू के इमीडिएट राइट में आपको यू बैठा हुआ दिखाई देगा। यानी कि अरेंजमेंट तो हमारा बन करके तैयार है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही यहां पर आपको स्ट्रक्चर सही होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आगे आपसे बोला गया है when counted in clockwise direction from S, यानी कि two person sits between U and S, दो व्यक्ति S और U के बीच बैठे हैं, लेकिन कब, when counted clockwise direction from S, तो S से जब हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो एक दो तीन चार, यहां पर चार व्यक्ति हैं, तो ये कंडीशन कैंसिल हो गई और यही वाला आपका क्या होगा, सही स्ट्रक्चर बनेगा दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको अप्रोच करना, इस प्रकार से आपको बना लेना है। सॉरी, अब बात करेंगे यहां पर पूछे गए प्रश्नों की, कि यहां पर आपको क्या क्या प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विद रेस्पेक्ट टू वी, वी के रेस्पेक्ट में आर की पोजीशन क्या है, तो इमीडिएट लेफ्ट आपको देखने को मिल रही है, यानी कि आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर थ्री। बात करेंगे यहां पर पूछे गए अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पूछा गया है हाउ मेनी पर्संस आर सिटिंग बिटवीन टी एंड वी, टी और वी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ टी, जब हम टी के दाहिनी ओर से गिनती शुरू करते हैं, तो टी के दाहिनी ओर से गिनती शुरू करेंगे तो एक दो व्यक्ति हमें बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, किसके बीच, टी और वी के बीच। ठीक है, टी और वी के बीच हमें कितने व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। तो बोला क्या गया है, पहले तो बोला गया तीन, ये ऑप्शन तो कैंसिल। एज मेनी पर्संस आर सिटिंग बिटवीन पी एंड क्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ पी, उतने ही व्यक्ति हैं जितने कि पी और क्यू के बीच बैठे हैं जब पी के बाईं ओर से गिनती करते हैं, तो एक दो, बिल्कुल ये बात यहां पर सही होती हुई दिखाई दे रही, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा टू। लेकिन यहां पर बोथ टू एंड थ्री का भी एक विकल्प है, इसलिए हमें विकल्प तीन को भी यहां पर जांचने की आवश्यकता है। तो विकल्प तीन में क्या बोला जा रहा है, एज मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन वी एंड डब्ल्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के राइट से देखें तो एक दो, यहां पर दो व्यक्ति हमें देखने को नहीं मिल रहे, इट मींस जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा यहां पर ऑप्शन नंबर टू। क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आप जो देख पा रहे हैं, यहां पर अगर आप काउंटिंग देखेंगे तो वी पी एस टी क्यू, तो यहां पर भी आप देखेंगे वी पी एस टी क्यू यू डब्ल्यू आर, तो यू डब्ल्यू आर भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसको रोटेट हम कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के लिए जो आंसर आपका बनेगा वो सिमिलर बनेगा, तो इसको लेकर के बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बात करेंगे यहां पर पूछे गए अगले प्रश्न की, कि अगला प्रश्न आपको क्या देखने को मिल रहा है। तो अगले अगर हम प्रश्न की बात करें तो पूछा गया हू अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट राइट में आपको कौन बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं आपको यू बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहला तो टी एलिमिनेट, द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, वो व्यक्ति जो आर के सेकंड टू द लेफ्ट में है, ये ऑप्शन भी गया, आर भी गया। फिर बोला गया द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू एस, वो व्यक्ति जो एस के विपरीत बैठा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट राइट में आपको यहां पर यू बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू एस, क्या एस के अपोजिट वाला व्यक्ति है, नहीं है। द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, क्या आर के सेकंड टू द लेफ्ट वाला व्यक्ति है, नहीं है। आर बिल्कुल आपको बैठा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, किसके, क्योंकि इमीडिएट राइट में। द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू एस, क्या एस के ऑपोजिट वाला व्यक्ति, नहीं। तो आंसर क्या मार्क करेंगे, नन ऑफ दीज। क्लियर? इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न, इफ यू इज रिलेटेड टू वी, यानी कि आपके लिए स्ट्रक्चर बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उस स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं
वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में लैंग्वेज किस तरीके की यूज की जा रही है विकल्पों में, ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है इफ यू इज रिलेटेड टू वी, यानी कि यू का संबंध अगर वी से है तो ये रहा आपका यू और ये रहा आपका वी। अब दो कंडीशन हो सकती है कि यू के लेफ्ट से जाएं तो इनके बीच दो व्यक्ति, यू के राइट से जाएं तो इनके बीच में चार व्यक्ति हमें देखने को मिल रहे हैं। सिमिलरली डब्ल्यू इज रिलेटेड टू टी, डब्ल्यू का संबंध किससे है, टी से है, यानी कि जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के थर्ड टू द लेफ्ट में बैठा हुआ है। यहां पर भी जो पहला व्यक्ति है, ओके देख लेते हैं, इफ यू इज रिलेटेड टू वी, यू जो है यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के एक दो तीन थर्ड टू द लेफ्ट में बैठा है। उसी प्रकार डब्ल्यू की जब हम बात करेंगे तो डब्ल्यू जो है वो आपका टी के एक दो तीन थर्ड टू द लेफ्ट में बैठा हुआ है। पूछा किसके लिए गया है, देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू क्यू, तो आपने देखा था कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के थर्ड टू द लेफ्ट में बैठा है, तो क्यू किसके थर्ड टू द लेफ्ट में आपको देखने को मिलेगा, तो एक दो तीन क्यू आपको देखने को मिलेगा पी के थर्ड टू द लेफ्ट में, यानी कि आंसर बनेगा पी। तो पी को किस प्रकार से यहां पर ऑप्शन में रिप्रेजेंट किया गया है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बोला है द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वी, वह व्यक्ति जो वी के तत्काल दाईं ओर बैठा है, तो ये वाला विकल्प सही हो रहा है, लेकिन हमें दूसरे विकल्पों की ओर भी देखने की आवश्यकता। अच्छा आइदर का दिया है तो बिल्कुल हमें दूसरे विकल्पों की ओर देखने की आवश्यकता नहीं, अगर बोथ दिया होता, बोथ करके ऑप्शन दिया होता तो हम यहां पर आंसर मार्क कर सकते थे, लेकिन देख लेते हैं एक बार, एस तो होगा नहीं, ठीक है, द वन और यहां पर टू और फोर के साथ, तो फोर में कोई ऐसा आपको विकल्प भी देखने को नहीं मिला क्योंकि ये विकल्प ही आपका फोर में है, तो सीधे तौर पर द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, वह व्यक्ति जो यू के सेकंड टू द लेफ्ट में, तो बिल्कुल नहीं, आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा यहां पर ऑप्शन नंबर वन। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, यानी कि एक भी तो सही हो सकता है और एक से अधिक भी यहां पर आपके स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। बोला गया है आर सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, आर उस व्यक्ति के विपरीत में बैठा है जो एस का तत्काल पड़ोसी है या एस के तत्काल बाईं ओर बैठा है, ठीक है, पड़ोसी नहीं कहेंगे क्योंकि यहां पर बोला है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, तो एस के इमीडिएट लेफ्ट में अगर हम देखें तो यहां पर आपको पी देखने को मिल रहा है और आर इसके अपोजिट में बैठा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो पहला ऑप्शन तो गया। दूसरा बोला जा रहा है क्यू सिट्स ऑपोजिट टू पी, क्यू पी के विपरीत बैठा है, ये भी गया। W sits immediate right of U, W जो है वो U के immediate right में है, ये ऑप्शन भी गया। S sits immediate left of P, S P के immediate left में, तो ये बात बिल्कुल यहां पर आपको सही होती हुई दिखाई दे रही, S क्या है P के immediate left में, so right answer will be option number 4। तो इस तरीके से यहां पर आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, हालांकि ये जो क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं ये एक्सट्रीम लेवल पे जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तभी आपको इस प्रकार के विकल्प देखने को मिलेंगे, अदरवाइज आप स्ट्रक्चर बनाने के बाद देखेंगे कि आसानी से विद इन 30 सेकंड आप यहां पर पांच के पांच जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका आंसर मार करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से भी विकल्प आपको दिए गए हो सकते हैं, तो डिपेंड करेगा कि एग्जाम का लेवल क्या है। और जैसा कि मैंने कहा कि ऑब्वियस सी बात है इस तरीके के ऑप्शन अगर आपको देखने को मिलेंगे तो आपको सावधानी के साथ बनाने की आवश्यकता रहेगी। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से सभी लोग पेन और पेपर लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है 8 पर्सन प्रिया, शालिनी, मोहित, अंजलि, रोहन, अमन, श्रेया एंड टीना आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल, सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड द सेंटर एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शालिनी की जब हम बात करेंगे और श्रेया की जब हम बात करेंगे और इसी प्रकार अंजलि और अमन की बात करेंगे तो ये सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, अदरवाइज हम केवल इनके फर्स्ट लेटर से ही इनको डिनोट कर सकते थे। क्लियर है, तो थोड़ा सा यहां पर आपको अलर्ट रहना होगा। 8 स्पॉट्स की हम बात करेंगे और बात करेंगे हम एक पॉसिबल स्ट्रक्चर की। क्लियर है, 8 स्पॉट्स एंड पॉसिबल स्ट्रक्चर। बोला क्या जा रहा, शालिनी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रिया, शालिनी जो है वो प्रिया के सेकंड टू द लेफ्ट में है, तो ये प्रिया ले लिए, एक में हम प्रिया को मान लेंगे फेसिंग टूवर्ड द सेंटर और एक में प्रिया को मान लेंगे फेसिंग ऑपोजिट टूवर्ड द सेंटर। एक दो यहां पर आपको शालिनी देखने को मिलेगी, एक दो यहां पर आपको शालिनी देखने को मिलेगी। आगे बोला गया है ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन शालिनी एंड अंजलि,
अंजलि इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ प्रिया. अगर यहां पर जाते एक दो तो यहां पर अंजलि बैठा सकते थे, लेकिन अंजलि प्रिया की पड़ोसी नहीं. मतलब एक दो यहां पर आपको देखने को मिलेगी कौन, अंजलि. और शालिनी और अंजलि के बीच एक दो यहां पर आपको देखने को मिलेगी अंजलि. क्लियर है? ठीक है, बढ़ते हैं आगे. अमन सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टीना. अमन जो है वो कहां बैठा है, टीना के सेकंड टू द लेफ्ट में है. तो अगर मान लेते हैं टीना कहां देख रही, केंद्र की ओर, तो अमन एक व्यक्ति छोड़ के आपको इधर देखने को मिलेगा. और ये फिक्स नहीं है, इसलिए इसको हम स्क्वायर बॉक्स में बंद कर रहे हैं. ओनली थ्री पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन श्रेया एंड टीना. श्रेया और टीना के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि श्रेया और टीना ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के. और ऑपोजिट के लिए हमारे पास जो यहां पर स्पॉट खाली है वो यही है, यानी कि या तो ये श्रेया, ये टीना. ठीक, अब अगर यहां पर हमने टीना को माना तो टीना के एक व्यक्ति छोड़कर यहां पर स्पॉट तो है, ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा कि यहां भी टीना हो सकती है, तो इसलिए अभी हम इसको फिक्स नहीं करेंगे. तो यहां पर श्रेया भी हो सकती है और यहां पर टीना भी हो सकती है. उसी प्रकार यहां पर श्रेया या टीना में से कोई एक, और यहां पर श्रेया या टीना में से कोई एक. क्लियर है? आगे जब हम बात करेंगे तो बोला क्या गया है, श्रेया एंड टीना. आगे यहां पर बोला है बट टीना इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ प्रिया. लेकिन टीना जो है वो प्रिया की पड़ोसी नहीं है, तो इससे ये फिक्स हो जा रहा है. ध्यान दीजिए, इससे ये फिक्स हो जा रहा है कि यहां पर कौन होगी, श्रेया होगी, और यहां पर कौन होगी, टीना होगी. क्लियर? उसी प्रकार यहां पर आपकी हो जाएगी श्रेया, क्योंकि टीना प्रिया की पड़ोसी नहीं है, और यहां पर हो जाएगी कौन, टीना. यहां पर हो जाएगी टीना. अब टीना और अमन वाली अगर हम कंडीशन की बात करें तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इसलिए अभी यहां पर हम फेसिंग डायरेक्शन की बात नहीं कर सकते हैं. क्लियर? आगे देखिए, अंजलि इज फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन एज प्रिया. अंजलि जो है वो प्रिया के विपरीत दिशा में देख रही है, तो प्रिया यहां पर ऑपोजिट है, तो अंजलि कहां देखेगी, केंद्र की ओर. प्रिया यहां पर फेसिंग इनसाइड है, तो अंजलि देखेगी केंद्र के विपरीत दिशा में. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. बोला जा रहा है मोहित इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अंजलि. मोहित अंजलि के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, मतलब यहां पर हो जाएगा मोहित और यहां पर हो जाएगा आपका मोहित. आगे बढ़ते हैं. नॉट मोर देन वन पर्सन सिटिंग टूगेदर इज फेसिंग सेम डायरेक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको ध्यान से देखिएगा. एक से अधिक व्यक्ति जो कि पड़ोसी हैं वो सेम डायरेक्शन में फेस किए हुए नहीं हो सकते. एक से अधिक व्यक्ति जो कि पड़ोसी हैं वो सेम डायरेक्शन में फेस किए हुए नहीं हो सकते. आगे बोला गया है अमन इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ अंजलि. अमन अंजलि का पड़ोसी नहीं है, मतलब अमन यहां हो जाएगा. और रिमेनिंग पर्सन जो आपका बचा वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कौन, रोहन. अमन अंजलि का पड़ोसी नहीं है, मतलब अमन यहां हो जाएगा, और यहां आपको देखने को मिलेगा कौन, रोहन. ठीक है? अमन फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ शालिनी. अमन शालिनी के विपरीत दिशा में देख रहा है. अच्छा, अमन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अंजलि. यहां तक हो गया ठीक? कोई लाइन मिस की है क्या हम लोगों ने? हाँ, एक लाइन ये हम लोगों ने मिस करी थी. यहां से इमीडिएट नेबर ऑफ रोहन आर फेसिंग सेम डायरेक्शन. रोहन के जो पड़ोसी हैं वो समान दिशा में देख रहे हैं, और रोहन जो है वो कहां देख रहा है, केंद्र की ओर देख रहा है. तो इसके लिए दो कंडीशन हो सकती है, लेकिन इस कंडीशन को हम नहीं बना सकते. क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये वाली जो लाइन आपको देखने को मिल रही है, ये वाली जो लाइन आपको देखने को मिल रही है, वो यहां पर सेटिस्फाई नहीं होती हुई दिखाई दे रही. इट मीन्स रोहन तो निश्चित रूप से केंद्र की ओर देखेगा, लेकिन जो रोहन के पड़ोसी होंगे वो कहां देखेंगे, निश्चित रूप से केंद्र के विपरीत दिशा में देखेंगे. तो पोजीशन तो हमने फिक्स कर दी, रोहन फेसिंग इनसाइड, रोहन के पड़ोसी देखेंगे कहां, आउटसाइड. उसी प्रकार से रोहन फेसिंग इनसाइड, लेकिन उसके पड़ोसी भी इनसाइड देख रहे हैं, तो ये कंडीशन आपकी यहीं से कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही है. ठीक है? ये कंडीशन यहीं से आपकी कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही है. अब आगे जो व्यक्ति बचे हैं उनका डायरेक्शन क्या होगा, तो वो इस बात पर यहां पर आपको निर्भर करता हुआ दिखाई देगा. अमन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अंजलि. अमन फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ शालिनी. अमन जो है वो शालिनी के विपरीत दिशा में देख रहा है, और शालिनी की बात करें, शालिनी फेसेस सेम डायरेक्शन एज रोहन, यानी कि अगर रोहन केंद्र की ओर देख रहा है तो शालिनी भी केंद्र की ओर देखेगी,
और अमन इसके विपरीत दिशा में देख रहा है, तो अमन विपरीत दिशा में देखेगा, ये कंडीशन आपकी कैंसिल हो ही चुकी है। अब यहां पर बचे आपके कौन, टीना और मोहित। टीना और मोहित का डायरेक्शन यहां पर हमें निकालना है, तो टीना के सेकंड टू द लेफ्ट में अमन है। टीना के अगर सेकंड टू द लेफ्ट में अमन बैठा है तो निश्चित रूप से टीना कहां देखेगी, टीना देखेगी फेसिंग ऑपोजिट। और अगर टीना फेसिंग ऑपोजिट देखेगी तो यहां पर मोहित का डायरेक्शन निश्चित रूप से हमें केंद्र की ओर करना होगा, क्योंकि मोहित को भी अगर हम फेसिंग ऑपोजिट कर देंगे तो एक से अधिक जो पड़ोसी हैं वो सेम डायरेक्शन में फेस किए हुए नहीं हो सकते। मतलब मोहित निश्चित रूप से कहां देख रहा होगा, केंद्र की ओर देख रहा होगा। क्लियर है? तो आपको जो डेटा दिया गया है उस दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग ही आपको स्ट्रक्चर बनाते चलना है, और यदि आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है, फिक्स नहीं हो रही है, तो उसको आपको नोट डाउन करके लिख लेना है, जिसे हम बाद में क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में इंप्लीमेंट करेंगे। यहां पर अगर हम प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ अंजलि। अंजलि के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहां पर आपको रोहन बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका विकल्प 4 बनेगा। अब स्ट्रक्चर आपको अगेन दिखाई दे रहा, मोहन अंजलि रोहन श्रेया, तो फिर से मोहन अंजलि रोहन श्रेया प्रिया अमन, ये श्रेया नहीं है ये, हाँ ये श्रेया है वो शालिनी, ठीक है। तो यही आपको स्ट्रक्चर यहां पर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू द सिट्स ऑपोजिट टू मोहित। मोहित के विपरीत में तो यहां पर आपको प्रिया बैठी हुई दिखाई दे रही, तो इजी सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा यहां से आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है। हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग इनसाइड, कितने व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो यहां पर आपको 1, 2, 3 और 4, 4 व्यक्ति आपको केंद्र की ओर देखते हुए दिखाई देंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 4 ऑफ द 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, दिस फॉर्म्स अ ग्रुप, फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि यहां पर वेरियस लॉजिक आपको लगते हुए दिखाई देंगे, जिनमें हम बात करते हैं पहले व्यक्ति के संबंध में, अगर आपको मल्टीपल पर्सन दिए तो पहले व्यक्ति के संबंध में दूसरे व्यक्ति की पोजीशन की बात करेंगे, या दूसरे व्यक्ति के संबंध में पहले व्यक्ति की पोजीशन की बात कर सकते हैं। फेसिंग इनसाइड, जब सिंगल आपको यहां पर डेटा दिया गया तो फेसिंग इनसाइड फेसिंग आउटसाइड के आधार पर यहां पर आपको एक विकल्प अलग होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर हम बात करें रोहन की, तो रोहन फेसिंग इनसाइड है, अमन की बात करें तो फेसिंग आउटसाइड है, टीना की बात करें तो फेसिंग आउटसाइड है, अंजलि की बात करें तो फेसिंग आउटसाइड है, श्रेया की बात करें तो फेसिंग आउटसाइड है, यानी कि यहां पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा रोहन, क्योंकि जो रिमेनिंग आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो दूसरे दिशा में देख रहे हैं। क्लियर? चलिए, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन शालिनी एंड रोहन व्हेन काउंटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम रोहन। जब रोहन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंटिंग की जाती है तो 1, 2, 3 व्यक्ति आपको रोहन और शालिनी के बीच बैठे हुए दिखाई देंगे, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? रोहन और शालिनी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हुए दिखाई देंगे जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंटिंग करेंगे तब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो अगेन आपको सेम अप्रोच फॉलो करना है। फटाफट से पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। तो बनाने के लिए सबसे पहले पढ़ेंगे यहां पर कि क्वेश्चन किस प्रकार का दिया गया। तो बोला गया 8 पीपल, श्वेता, राशि, पूजा, दामिनी, अलका, बबली, फिजू एंड सिमरन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। सम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड। Not more than 2 people facing same direction are sitting together. Again, यहाँ पर आपको same condition बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि 2 से अधिक व्यक्ति एक दिशा में देख रहे हैं जो वो पड़ोसी नहीं हो सकते। तो अगेन यहाँ पर हम बनाएंगे 2 स्पॉट। सबसे पहले बोला जा रहा नाम में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर S R P D A B 2 S दिखाई दे रहे, श्वेता और सिमरन, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, ठीक है। सिमरन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पूजा हु इज नॉट फेसिंग आउटसाइड, मतलब पूजा का फेस निश्चित रूप से कहां होगा, केंद्र की ओर होगा। और सिमरन की अगर हम बात करें, सिमरन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पूजा, 1, 2, 3 यहां पर कौन, सिमरन, तो यहां पर कौन, सिमरन, दोनों में आपको देखने को मिलेगी। इमीडिएट नेबर्स ऑफ सिमरन आर फेसिंग सेम डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट ऑपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सिमरन,
हु इज फेसिंग इनसाइड, यानी कि सिमरन का फेस कहाँ है, केंद्र की ओर है, तो जो इसके पड़ोसी हैं वो सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू इच अदर, यानी कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में तो सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं लेकिन सिमरन की डायरेक्शन के ऑपोजिट देख रहे हैं। तो इस प्रकार से यहां पर हम डेटा बना लेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। राशि इज द इमीडिएट नेबर ऑफ अलका एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, राशि जो है वो अलका की पड़ोसी है और दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, लेकिन फेसिंग इनसाइड भी हो सकता है, फेसिंग आउटसाइड भी हो सकता है। आगे देखते हैं, आगे बोला गया है अलका सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पूजा, एक दो ये होगी कौन, अलका, और यहां पर ये कौन हो गई, अलका। अब ये दोनों एक ही दिशा में देख रहे हैं, यानी कि सिमरन इधर भी हो सकती है, सिमरन इधर भी हो सकती है, ठीक है। अगर सिमरन इधर हुई तो ये दोनों कहां देखेंगे, आउटसाइड देखेंगे, सॉरी सिमरन की बात करूं, अलका और राशि, राशि राशि अगर इधर हुई तो ये दोनों आउटसाइड देखेंगे, और राशि अगर इधर हुई तो ये दोनों कहां देखेंगे, इनसाइड देखेंगे। क्यों, क्योंकि दो से अधिक जो पड़ोसी हैं वो आपके सेम डायरेक्शन में देखते हुए नहीं होने चाहिए। उसी प्रकार यहां पर इसकी भी डायरेक्शन हम निश्चित रूप से निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगा, फेसिंग इनसाइड। यहां पर इस वाले की डायरेक्शन हम निकाल लेंगे, ये हो जाएगा आपका फेसिंग आउटसाइड, और जो आपका रिमेनिंग बचा ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है। तो यहां पर हम इसको कुछ भी रख सकते हैं, इसको हम इनसाइड भी रख सकते हैं, आउटसाइड भी रख सकते हैं, इन द सेम वे यहां पर ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, तो यहां पर हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देयर आर इक्वल नंबर ऑफ पर्संस फेसिंग इनसाइड एंड आउटसाइड, चार आपको मिलेंगे इनसाइड और चार ही मिलेंगे आपको आउटसाइड, ठीक। अब देख लेते हैं, एक आउटसाइड वाले एक दो तीन चार, तो ये निश्चित रूप से इनसाइड, इनसाइड वाले भी आपको चार देखने को मिल रहे हैं, और यहां पर देखेंगे एक दो तीन चार, तो ये आउटसाइड, आउटसाइड वाले भी चार देखने को मिल रहे हैं। आगे अगर हम बात करें यहां पर तो क्या दिया गया है, राशि सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ श्वेता, राशि जो है वो श्वेता के थर्ड टू द लेफ्ट में बैठी है। तो श्वेता को कहां पर हम फिक्स कर सकते हैं, तो श्वेता को अगर हम यहां पर रखते हैं तो एक दो तीन, राशि यहां दिखाई देगी, श्वेता को अगर हम यहां फिक्स करते हैं तो एक दो तीन राशि इसके थर्ड टू द राइट में बैठी हुई दिखाई देगी, जैसे कि बोला गया राशि सिट्स सॉरी थर्ड टू द लेफ्ट बोला गया, थर्ड टू द लेफ्ट मतलब यहां पर आपकी कौन बैठेगी, श्वेता बैठेगी, थर्ड टू द लेफ्ट में आपको यहां पर राशि बैठी हुई दिखाई देगी। इस वाले जब स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो यहां पर हम बिठाएंगे किसको, श्वेता को, एक दो तीन थर्ड टू द लेफ्ट में आपको राशि बैठी हुई दिखाई देगी। आगे की जब हम बात करेंगे तो बोला क्या गया है, थर्ड टू लेफ्ट ऑफ श्वेता एंड बोथ आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि श्वेता और राशि दोनों कहां देख रहे, विपरीत दिशाओं में, तो श्वेता ऑपोजिट राशि टुवर्ड्स द सेंटर, श्वेता ऑपोजिट राशि भी फेसिंग ऑपोजिट टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, कैंसिल हो गई, ठीक है। आगे की बात करें, सिमरन सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ दामिनी, सिमरन जो है वो दामिनी के इमीडिएट राइट में बैठती, तो यहां पर हो गया कौन, दामिनी। और आगे बोला गया है बबली सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फिजू, तो बबली फिजू के सेकंड टू द लेफ्ट में है, तो अगर इधर फिजू होगा तो यहां पर आपको बबली देखने को मिलेगी, तभी बबली इसके सेकंड टू द लेफ्ट में बैठी हुई आपको दिखाई देगी। तो इस प्रकार स्ट्रक्चर हमारा बन करके तैयार है, केवल हमें क्या करना है, दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, और जैसा कि मैंने कहा जो डेटा फिक्स नहीं हो रहा है उसको हमें एज एन इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लेना है। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको यहाँ पर लिखे हुए दिखाई देते हैं जिसके आधार पर आप डायरेक्शन निर्धारित कर सकते हैं, जो डायरेक्शन आपको निर्धारित होते हुए दिखाई नहीं देंगे स्ट्रक्चर पर उनके बेसिस पर आप डायरेक्शन निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया था देयर आर इक्वल नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग इन साइड एंड आउटसाइड डायरेक्शन, तो हर एक लिखी गई इंफॉर्मेशन को कैसे आप यूटिलाइज करते हैं ये काफी हद तक निर्भर करेगा कि क्वेश्चन को आप कितने समय में बनाएंगे, या क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि आप उन दिए गए डेटा को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, उन दिए गए इंफॉर्मेशन को सही तरीके से आप समझ नहीं पा रहे हैं। क्लियर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाने का अभ्यास करने की आवश्यकता है, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएं, एटलीस्ट इन सेशन में जो भी आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं इन प्रश्नों के माध्यम से आप लैंग्वेज पर बेहतर कमांड हासिल कर सकते हैं, और इसके बाद जब आप मॉक्स लगा रहे होंगे तो यही छोटे छोटे से आपको कीवर्ड्स या जो छोटे छोटे से मैं फैक्ट्स आपके साथ में साझा कर रहा हूं ये आपको हेल्प करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें रीजनिंग सेक्शन में। क्लियर है,
बात करेंगे यहाँ पर हम लोग प्रश्नों की, तो पूछा जा रहा है हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन श्वेता एंड फिजू, श्वेता और फिजू के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं वाइल काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ फिजू, फिजू के लेफ्ट से जब हम गिनती करते हैं, तो फिजू के लेफ्ट से जब हम गिनती करेंगे तो एक दो, दो व्यक्ति आपको श्वेता और फिजू के बीच में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियर। अब ये स्ट्रक्चर आपको यहां पर देखने को मिलेगा, दामिनी सिमरन श्वेता, दामिनी सिमरन श्वेता, बबली पूजा फिजू अलका और राशि। क्लियर है। पूछा जा रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बबली विद रेस्पेक्ट टू अलका, बबली की पोजीशन अलका के रेस्पेक्ट में क्या देखने को मिल रही है, तो अलका के रेस्पेक्ट में बबली की पोजीशन है थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट का ऑप्शन दिया गया, बिल्कुल दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक दो तीन चार पांच, फिफ्थ टू द लेफ्ट भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर कोई भी विकल्प नहीं दिया गया है। नेक्स्ट वन, इफ ऑल द पर्संस सिटिंग आर इक्विडिस्टेंस एंड इफ सिमरन फेसेस वेस्ट, सभी इक्विडिस्टेंस पर बैठे हैं और सिमरन का मुख अगर हम बात करें कहां देखने को मिल रहा है, वेस्ट देखने को मिल रहा है, तो ये है सिमरन। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें जो हमारा स्ट्रक्चर फाइनली बन करके तैयार हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग सिमरन का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, तो वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। इट मीन्स अगर हम साउथ वेस्ट को क्या बोल रहे हैं, वेस्ट बोल रहे हैं, साउथ वेस्ट को हम क्या बोल रहे हैं, वेस्ट। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में ये चीज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। इफ साउथ वेस्ट को इज कॉल्ड वेस्ट देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन फॉर, अब राशि कहां देख रही है, साउथ ईस्ट में, तो यहां से जब हम 45 डिग्री रोटेट करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहां से भी हम 45 डिग्री रोटेट कर जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका, साउथ, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर टू। क्लियर। जितने का रोटेशन इनिशियल में उतने का ही रोटेशन फाइनल में, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब इनिशियल डायरेक्शन निकालने पर आधारित प्रश्नों की बात करेंगे, या इस प्रकार के एंगल रिलेटेड क्वेश्चंस की हम बात करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा, यानी कि सीधे तौर पर आपको सिटिंग अरेंजमेंट में यहाँ पर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ बबली, बबली का जो तत्काल पड़ोसी की हम बात करें, तो बिल्कुल श्वेता बबली की तत्काल पड़ोसी, पूजा भी है, तो आंसर क्या बनेगा, बोथ वन एंड थ्री, बोथ वन एंड थ्री विल बी राइट आंसर। क्लियर। If Damini leaves the group, what will be Simran's position? अगर Damini group को छोड़ देती है तो Damini को हमें counting में रखना ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर पहला option दिया गया second to the right of Fizu, Fizu के second to the right में Simran बिल्कुल नहीं है, पहला option गया। Second to the right of Alka, Alka के second to the right में Simran नहीं मिल रही है देखने को, ये option भी गया। Second to the right of Pooja, Pooja के second to the right में आपको Simran देखने को नहीं मिल रही है। फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पूजा, पूजा के फोर्थ टू द लेफ्ट में भी आपको सिमरन देखने को नहीं मिल रही है, तो रिमेनिंग ऑप्शन बचता है हमारे पास नन ऑफ दिस, जो कि क्या होगा, राइट आंसर होगा पूछे गए प्रश्न के लिए, ठीक है। दामिनी लीव्स द ग्रुप, यानी कि दामिनी को ग्रुप से अगर हम ओके, दामिनी को हमें काउंट करना ही नहीं था, ठीक है, मैंने यहां पर कट जरूर किया है लेकिन काउंटिंग में मैंने इनको गिना है, ठीक है। दामिनी को अगर हम यहां पर ग्रुप से हटा दें तो, ठीक है, सेकंड टू द राइट ऑफ फिजू, तो क्या फिजू के सेकंड टू द राइट में सिमरन की पोजीशन होगी, नहीं होगी, पहला ऑप्शन तो गया। सेकंड टू द राइट ऑफ अलका, क्या अलका के सेकंड टू द राइट में यहां पर हमें सिमरन देखने को मिलेगी, नहीं होगी, क्योंकि सेकंड टू द लेफ्ट में है, ये ऑप्शन भी गया। सेकंड टू द राइट ऑफ पूजा, पूजा के सेकंड टू द राइट में, ये ऑप्शन भी गया। फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पूजा जो है यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, एक दो तीन, और इसको हमें काउंट करना ही नहीं था, तो चौथे नंबर पर हमें सिमरन देखने को मिलेगी, मतलब यहां पर जो राइट आंसर है वो बनेगा आपको ऑप्शन नंबर फोर। क्लियर है। चलिए आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न अब हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि फ्लोर पर आधारित एक प्रश्न देखने को मिल रहा है, जहां पर हम स्ट्रगल करते हैं क्योंकि हमें स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाना है, इसके अभाव में हम क्या करते हैं, कुछ भी डेटा बना देते हैं और वहां पर हौच पौच करके खिचड़ी पका देते हैं, तो आपको एग्जाम हॉल में खिचड़ी पकाने की आवश्यकता नहीं है। बात करेंगे प्रश्न की, बोला जा रहा है 10 persons A B C D E F R S T U are living in a five story building such that ground floor is number one. तो पहले तो ground floor number one, फिर number two, number three, number four और number five, पांच ही हो गए आपके तल। आगे बोला जा रहा है one is just above floor is number two and so on till the topmost floor is number five. Each floor has two flats, प्रत्येक फ्लोर में दो फ्लैट हैं,
फ्लैट पी एंड फ्लैट क्यू. फ्लैट पी ऑफ द फ्लोर टू इज इमीडिएटली अबव फ्लैट पी ऑफ द फ्लोर वन, यानी कि अगर पी वाला यहां पर है तो पी वाला आगे भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा, एंड इमीडिएटली बिलो फ्लैट पी ऑफ फ्लोर थ्री. बिल्कुल ये कंडीशन यहां से क्लियर हो गई, एंड सो ऑन. इन द सेम वे फ्लैट क्यू ऑफ द फ्लोर टू इज इमीडिएटली अबव फ्लैट क्यू ऑफ फ्लोर वन एंड इमीडिएटली बिलो फ्लैट क्यू ऑफ फ्लोर थ्री, एंड सो ऑन. फ्लैट पी इज इन द वेस्ट ऑफ फ्लैट क्यू. ये इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए थी वो भी मिल गई. फ्लैट पी जो है वो वेस्ट में है कहां, क्यू के. फ्लैट पी जो है वो वेस्ट में है क्यू के. तो स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से बनाना है. क्लियर, स्ट्रक्चर बनकर के तैयार है. बात करेंगे दी गई इंफॉर्मेशन की, तो आप देख पा रहे हैं केवल और केवल ये तीन लाइन का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है. सबसे पहले बोला जा रहा है सी लिव्स टू द साउथ ईस्ट ऑफ ए. सी लिव्स टू द साउथ ईस्ट ऑफ ए मतलब सी अगर क्यू पर है तो ए कहां पर होगा, पी पर होगा. ये बात यहां से क्लियर हो गई. टी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर. टी जो है वो एक ऑड नंबर फ्लोर पर रहता है, ये कंडीशन. ए एंड टी लिव्स ऑन द सेम फ्लोर मतलब टी वाला जो है वो भी कहां, पी वाले फ्लोर पर ही हमें बैठा हुआ दिखाई देगा. जैसे कि आपने देखा ए जो है वो पी वाले फ्लोर पर बैठा हुआ है क्योंकि सी कहां है, इसके साउथ ईस्ट में बैठा हुआ है. क्लियर, आगे देखते हैं. डी लिव्स टू द वेस्ट ऑफ एस हु लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर. यानी कि डी जो है वो पी पर बैठेगा, एस जो है वो क्यू पर बैठेगा और दोनों ही इवन नंबर फ्लोर पर बैठे हुए हैं. तो इवन नंबर फ्लोर हमारे पास दो हैं. यहां पर अगर मैं डी को मानता हूं तो यहां पर हमें एस को मानना पड़ेगा, और यहां पर अगर मैं डी को मानता हूं तो यहां पर हमें एस को मानना पड़ेगा. दो कंडीशन यहां पर हमारे पास बनती हुई दिखाई दे रही है. आगे की अगर मैं बात करूं तो बोला जा रहा है देयर आर टू फ्लोर बिटवीन डी एंड ए फ्लोर. डी और ए के फ्लोर के बीच में दो तल है, तो एक दो. ए को अगर हम यहां पर मानेंगे, ध्यान दीजिए, ए को अगर हम यहां मानेंगे तो सी कभी भी इसके साउथ ईस्ट में नहीं हो पाएगा, इसलिए ये कंडीशन हो गई कैंसिल. ठीक, ये कंडीशन कैंसिल. अब यहां पर एक दो, यहां पर हम ए को मानेंगे, ठीक, तब जाकर के आपको सी इसके साउथ ईस्ट में बैठा हुआ दिखाई दे सकता है. क्लियर है. आगे की बात करें तो बोला जा रहा है आर लिव्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ सी. आर जो है वो सी के नॉर्थ वेस्ट में है, मतलब आर भी कहां होगा, सी के फ्लोर से ऊपर कहीं बैठा होगा, ऊपर किसी तल पर बैठा होगा. और आर का जो फ्लैट होगा वो कौन सा होगा, आर का जो फ्लैट है वो फ्लैट पी होगा. क्लियर है. आगे देखिए बी एंड आर लिव्स ऑन द सेम फ्लोर, मतलब बी का जो फ्लैट है वो क्या होगा, सी के ऊपर होगा और फ्लैट क्यू होगा. सी लिव्स अबव द एस फ्लोर. सी जो है वो एस के फ्लोर के ऊपर कहीं रहता है, तो यहां पर एस को हम नीचे लिख लेते हैं. यू लिव्स टू द साउथ वेस्ट ऑफ एस. यू जो है वो एस के साउथ वेस्ट में, मतलब यू यहां पर निश्चित रूप से हमें बैठा हुआ दिखाई देगा. यू लिव्स टू द साउथ वेस्ट ऑफ एस. एफ लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर. एफ रहता है आपका टॉप मोस्ट फ्लोर पर. अब दी गई कंडीशन को हमें यहां पर करना है फुलफिल. तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अगर देखिए यहां पर हम R को और B को, A तो हो गया, R को और B को यहां मानते हैं अगर हम. क्लियर, तो आपको यहां पर बैठा हुआ दिखाई देगा C. C के लिए एक ही स्पॉट बचेगा और C क्या है, S के ऊपर है. इट मींस निश्चित रूप से R यहां होगा, B यहां होगा और C S के ऊपर है, तो C के लिए एक ही स्पॉट बचा. और हमें पता था C कहां बैठा है, C कहां रहता है, फ्लैट Q पर रहता है. क्लियर, अब हमारे पास डेटा बचे दो, दो हमारे पास डेटा बचे हैं. तो B और R जो है वो सेम फ्लैट पर रहते हैं. T जो है देखो कहां रहेगा, P पर रहेगा. T जो है वो रहेगा P पर, तो T के लिए एक स्पॉट ये हो गया. और जो रिमेनिंग पर्सन है E, वो हमें बैठा हुआ दिखाई देगा कहां, फर्स्ट फ्लोर के Q वाले फ्लैट में. क्लियर, फाइनल अरेंजमेंट हमारा बनकर के तैयार है. तो ऐसे प्रश्नों में स्ट्रक्चर बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है और स्ट्रक्चर ही निर्धारित करेगा कि क्वेश्चन को आप कितने समय में बनाएंगे और सही सही बनाएंगे भी कि नहीं बनाएंगे. तो स्ट्रक्चर पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, साथ ही साथ डेटा, किस डेटा को कैसे हम फिक्स करें और जितने डेटा हमारे पास फिक्स हो गए उसके बाद जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रही है उन इन्फॉर्मेशन को कैसे हमें यूटिलाइज करना है. क्लियर है, तो चलिए बात करते हैं फटाफट से यहां पर पूछे गए प्रश्नों की. पहला प्रश्न पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन फ्लैट पी.
फ्लैट पी पर कौन रहता है, इन फ्लैट पी में कौन रहता है, तो फ्लैट पी में आपको ए देखने को मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, और फोर्थ फ्लोर के, तो फोर्थ फ्लोर के यहां पर देखोगे फ्लैट पी में तो आपको आर बैठा हुआ दिखाई देगा, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फोर। अरेंजमेंट आपको इसी प्रकार से देखने को मिला था, यहां पर भी आप देख सकते हैं और यहां पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बोला गया है हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन ई एंड एफ फ्लोर, ई और एफ के फ्लोर के बीच में कितने फ्लोर है, ठीक, एफ और ई के बीच में कितने फ्लोर है, तो एक दो तीन आपको फ्लोर देखने को मिल रहा है। अगर यही आपसे पूछ लिया जाए एफ और ई के फ्लैट के बीच में कितने फ्लैट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर आप गलतियां करते हैं। एफ और ई के फ्लैट के बीच में कितने फ्लैट है, तो ध्यान दीजिएगा, दो दो चार दो छह और फिर एक सात, सात फ्लैट आपको देखने को मिल रहे हैं किसके किसके बीच, एफ और ई के फ्लैट के बीच में, क्लियर है। आर लिव्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर, आर किस फ्लोर पर रहता है, तो आर चौथे फ्लोर पर रहता है, यहां पर आपको दो बार आर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है। Which among the following statement is true regarding E? E के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है, E lives on an odd number floor, बिल्कुल सही है। फिर बोला E and U lives on the same flat, ये भी सही है। वन एंड टू के साथ में एक ऑप्शन दिया गया, तो आप इसी को आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे और भी कुछ आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। E lives below B floor, तो ये E lives below, E and U lives in same flat, no. E and U lives in same flat, ये गलत है, ये गलत है। देखो कैसे, फ्लैट और फ्लोर, ठीक है, फ्लैट और फ्लोर को समझिए, E lives on an odd number floor, E odd number floor पर रहता है, तो ये इंफॉर्मेशन तो सही है, लेकिन E and U lives in same flat का मतलब क्या है कि अगर U P पे रहता है तो E भी P पे रहता है, तो ये इंफॉर्मेशन यहां पर गलत होती हुई दिखाई दे रही। नेक्स्ट वन आपसे बोला गया E lives below the B's floor, E जो है वो B के नीचे किसी एक तल पर रहता है, तो बिल्कुल, तो यहां पर जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा वन एंड थ्री, यानी कि ऑप्शन नंबर फाइव, क्लियर। और बात करेंगे आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की, आज के सेशन के लास्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो बोला है फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। टी, टी की हम बात करें तो किसमें रहता है, फ्लैट पी में रहता है। एफ की हम बात करें तो किसमें रहता है, फ्लैट क्यू में रहता है। E किस में रहता है, फ्लैट Q में रहता है। U किस में रहता है, फ्लैट P में रहता है। और R किस में रहता है, R रहता है फ्लैट T में। तो फ्लैट के आधार पर तो यहां पर आप एलिमिनेट नहीं कर सकते कि चार किसी तरीके से समान हो। अब क्या करेंगे, हम ऑड इवन की बात करेंगे। T की अगर हम बात करें तो ऑड नंबर फ्लोर पे, F की अगर हम बात करें तो ऑड नंबर फ्लोर पे, E की बात करें तो ऑड नंबर फ्लोर पे, U की बात करें तो ऑड नंबर फ्लोर पे, और R की बात करें तो इवन नंबर फ्लोर पे, यानी कि R क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पर अलग अलग आपको लॉजिक देखने को मिलेंगे। जब आप सिटिंग अरेंजमेंट में फोर ऑफ द फाइव आर अलाइक वाले क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग लॉजिक देखने को मिलेंगे, तो इसलिए भी ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब फ्लोर पर बेस्ड अरेंजमेंट में आप देख पा रहे हैं कि अलग तरीके से लॉजिक लग रहा है, सर्कुलर अरेंजमेंट में आप देखते हैं कि अलग तरीके से लॉजिक लगता है, लीनियर अरेंजमेंट में आपको अलग तरीके से लॉजिक लगता है, वो दिखाई देगा कि आपके अगर डबल रो पर आधारित प्रश्न है तो दे देगा कि बाकी के व्यक्ति आपके एंड्स पर बैठे हैं, कोई एक व्यक्ति एंड पर नहीं बैठा है। अगर सिंगल रो पर आधारित प्रश्न है तो वहां पर आपके फेसिंग डायरेक्शन पर आधारित क्वेश्चन दे सकता है। डबल अगर यहां पर डेटा दिया गया है तो किसी एक व्यक्ति की पोजिशन दूसरे व्यक्ति के रेस्पेक्ट में, इस पर आधारित क्वेश्चन दे सकता है। तो ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और पजल के सेशन को भी हम लोग आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बने रहें टीम कंपटीशन कमिटी के साथ, प्रैक्टिस करते रहें हमारे साथ, बेहतर तरीके से करें तैयारी, और साथ ही साथ आपको अगर किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई डाउट या दुविधा अगर देखने को मिलती है तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ग्रुप की अगर हम बात करें तो रीजनिंग बाय धीरज सर के नाम से भी आपको मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा कोको बैंक एसएससी रेलवे के नाम से, वहां पर भी आप जुड़ करके हमारे साथ में अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लेटेस्ट अपडेट हैं, कुछ एडिशनल आपको अगर हम बात करें पीडीएफ्स हैं, नोट्स हैं, वो भी आपको इन टेलीग्राम ग्रुप्स पर प्रोवाइड कराए जाते रहते हैं। तो इसलिए भी ये ग्रुप्स
आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएंगे, जहां पर आप अपने डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हैं और साथ ही साथ जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो भी इन ग्रुप्स के माध्यम से आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है? तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को अगर आप तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।